हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु गुरुवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल में पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा सरकार के कामकाज पर सवाल बहुत करते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देते, और पूर्व सरकार JCB मशीन से बड़े बड़े गड्ढे खोद कर गई है, जिसे मौजूदा सरकार उन्हें पिछले 7 महीने से लगातार दिन रात भरने में लगी है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पूर्व सरकार के प्रशासनिक विभाग की कई फाइल निपटा चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का घोषित मुआवजा और साल 2012 में तत्कालीन सरकार की 60 लाख रुपए से ज़्यादा इफ्तार पार्टी के खर्च का भुगतान वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।